मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज जनता दरबार कार्यक्रम के बाद बिहार में बिजली संकट को लेकर के बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि इसकी जानकारी उन्होंने विभागीय अधिकारियों से ली है। इसके अलावा नीतीश कुमार क्या कुछ कह रहे हैं अपने पूरे बयानों में आपको दिखाते हैं। और ऐसी बात नहीं है कि कोई बिहार की स्थिति, ये सब जगह की स्थिति, ऐसा नहीं है कि यहाँ प्रभावित है, ये हर जगह स्थिति है और उसको लेकर के अपने अपने ढंग से लोग करते हैं। हम लोगों के यहाँ लोग पूरे तौर पर अन्य स्थलों से भी लेकर के पूरी आपूर्ति करने के लिए अपना काम करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। और आज जो हमको रिपोर्ट किया है उसके हिसाब से जो भी आपको हमने बता दिया, उन लोगों ने कहा कि अब जो जितना रिक्वायरमेंट है 5500-5600 मेगावाट का, उतना लगभग ये आपूर्ति करने में सफल होगा। हाँ वो सब तो है ही, वो सब में तो समस्या है ही है। अब कांटी बरौनी सब तो आप जानते ही हैं। अरे हम तो शुरू कराए थे, आप जानते हैं कितना बिजली घर शुरू करवाए, सब कुछ करवाए, लेकिन बाद में हम लोगों ने ही तय कर दिया कि ये सब को हम हैंड ओवर कर देंगे NTPC वगैरह को, तो वो उनके साथ डील करके हम लोगों ने तो हैंड ओवर कर दिया। अब अपना राज्य के अधीन तो कोई नहीं है, लेकिन राज्य वाले को भी पूरा उसको रिवाइव करने के लिए, उसका एक्सपेंशन करने के लिए तो पूरा प्रयास हम लोगों ने शुरुआती दौर में तो किया है ना, अनेक वर्षों में, और उस दिशा में बढ़ रहे थे। और नया बिजली घर भी कितना निर्मित करवाने के लिए, जिसमें स्टेट और सेंटर दोनों की भागीदारी थी, सब किया, लेकिन अल्टीमेटली हम लोगों ने सब हैंड ओवर कर दिया उधर और कहा कि नहीं आप ही आपूर्ति करिए करिए, और उसके लिए जो भी राज्य सरकार का उसमें इन्वेस्टमेंट था उस हिसाब से एक अंश राज्य सरकार को उन लोगों ने लौटा भी दिया, तो अब तो उन्हीं लोगों के अधीन है। लेकिन एक बात साफ है कि बरौनी ताप विद्युत केंद्र जो है, अब उसके लिए जो काम कर रहा है, तो जो डिपार्टमेंट बता रहा है कि अब लगता है कि एक माह में चालू हो जाएगा बरौनी ताप विद्युत केंद्र का, मतलब इकाई संख्या 6 के बारे में, और इकाई संख्या 9 जो है उसके बारे में है कि काफ़ी तेज़ी से काम चल रहा है, 10 दिन में चालू हो जाएगा। तो इन सब चीज़ों का आज ही रिपोर्ट किया है, हम लोगों ने कहा कि भाई कहाँ क्या स्थिति है पूरी जानकारी दीजिए, तो ये बताया। और फिर मुजफ्फरपुर ताप विद्युत केंद्र वाला भी है, तो काफ़ी महंगा हो गया है रेट, सबको मालूम है, तो रेट बहुत ज़्यादा है महंगा, तब तो और जगहों से ले भी रहे ही हैं, तो इसलिए यहाँ सप्लाई के लिए पूरा प्रयास लोग कर रहे हैं। तो आज ही डिटेल हम लोगों ने इसके लिए जानकारी ली थी, तो उसमें बताया, और सब तो ठीक है ना, तो चले गए। वो तो हम लोगों ने सब रिपोर्ट, सब चीज आपने सुना नीतीश कुमार को, उन्होंने कहा है कि ये जो समस्या है बिजली की, संकट की, ये सिर्फ बिहार में ही नहीं बल्कि पूरे जगह है। उन्होंने इस बात को माना है कि बिजली की संकट है बिहार में। उन्होंने कहा है कि इस पर विभागीय कार्रवाई हो रही है। अब देखना दिलचस्प होता है कि बिहार में बिजली की समस्या पर नीतीश कुमार क्या एक्शन लेते हैं। तो इन्हीं तरह की तमाम खबरों के लिए आप बने रहें हेडलाइंस बिहार के साथ, और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।